रहीम द आरडीएम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में खुश आमदीन। आज की वीडियो जूम पे स्टार्ट की जा रही है, तो सबसे पहले हम जूम अपना ओपन कर लेते हैं, अपने टीम मेंबर्स को वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स को खुश आमदीद। एक एक करके अपना माइक ऑन करके सारे बंदे अस्सलाम को बेशक जवाब दे दें। आवांगा ना तो फ्लेवर होएगा, मुझे दस दिन मैं तेरे को मैसेज कर दूंगा किधर आना। ये स्क्रीन आप सबके साथ शेयर मैंने कर दी, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप सबको आवाज सही आ रही है? ये हमारा डैशबोर्ड वर्डप्रेस का आ चुका है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आज हमने जौन सी वेबसाइट बनानी है। ये हमारी सिंपल वेबसाइट है, आज हमने एलिमेंटर के अंदर पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, जो कि हम अभी प्लगइन इस्तेमाल करेंगे और साथ एक थीम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम थीम के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, और ऐड न्यू थीम में चले जाते हैं। इधर हम कर देते हैं अस्ट्रा, अस्ट्रा का थीम हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम एलिमेंटर का इस्तेमाल करके एक अपनी खूबसूरत सी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं, ये अस्ट्रा का आपका सामने प्लगइन आ चुका है, इसको हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये कुछ टाइम लेगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये बकाया थीम देख सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया आ गया, एवेंटेक्स आ गया। ठीक है, इस तरह के थीम बहुत सारे आपके सामने आ रहे हैं। जैसे ही इंस्टॉल होते हैं, इसके बाद हम अपने आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो कुछ टाइम लेगा। तो अभी हमारे पास कितने मेंबर आ चुके हैं? अभी फ़िलहाल 5 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास। तो और भी जिन बंदों को आपने इनवाइट करना है, बेशक कर लीजिए। ये बस इतने ही बंदे हमारे पास आज की लिस्ट में होंगे। राजा साहब, आप स्टार्ट रखें, जो भी आएगा इंशाल्लाह साथ साथ ही है, ठीक है, सबको मैसेज तो कर दी। ठीक हो, सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक जो है वो म्यूट रखें। चलो बड़ा तेरे को बैठा सके, ओनली क्लास का टाइम होगा तो बोल टांगो के करने क्लास का। एक्स्ट्रा के अंदर फीचर्स हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा हमारा प्लगइन जो हम अभी इंस्टॉलेशन पे लगाया हुआ है, तो ये उसके अपने मतलब डेमो फीचर्स आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। तो
तो ये देख सकते हैं किस तरीके की वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपनी दिखा रहे हैं। सर्विसेज का उनका मतलब टॉगल बना हुआ है, ठीक है, सर्विसेज के ऊपर आ जाता है, इस तरीके से अबाउट अस के ऊपर आ जाता है, ठीक है, ठीक है, सोशल मीडिया के आइकन्स आ जाते हैं, ठीक है, व्हाई चूज अस आ जाता है, कॉन्टैक्ट का फॉर्म नीचे बना हुआ है, गेट अ प्रोफेशनल वेबसाइट रेडी, मेक अ वेबसाइट, ठीक है, इस तरीके की तीन चार चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जैसे इंस्टॉल इंस्टॉलेशन, क्योंकि लोकल सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी स्पीड का इशू आ जाता है, कि मतलब जगह कम होने की, मतलब लोकल सर्वर की स्पीड जो होती है स्लो होती है, इस वजह से थोड़ा ये टाइम लेगा। तो जैसे ये टाइम अपना कर लेते हैं तो हम आगे इंशाल्लाह स्टार्टअप अपना ले लेते हैं। पोस्ट वगैरह क्रिएट करनी, सब जो मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको पोस्ट वगैरह क्रिएट करनी तो आ गई होगी, और गुटनबर्ग में एलिमेंट गुटनबर्ग पेज बिल्डर के अंदर वेबसाइट बनाने का तरीकेकार आ गया होगा, और जो लोकल WP की मैंने क्लास दी थी उसके अंदर भी आपको समझ लग गई होगी कि क्या चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है। कुछ फीचर उसके रह गए थे तो इंशाल्लाह आगे ने एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मतलब उसके लोकल WP के दो तीन फीचर न्यू जो हैं उनके बारे में आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं मुझे दे दे क्या कर रही है क्या हुआ आपको मतलब कैसे मंगवा ले सेंटर और कुरियर को तो वो हमारी मेरे ख्याल है वर्डप्रेस अपडेट नहीं है जिसकी वजह से वो एरर दे रहा है। तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके हम वर्डप्रेस को अपने एक मतलब वर्जन में अपडेट इसका इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट हम इंस्टॉल करते हैं और एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, इसके बाद हमारे पास साथ ही ये चीज़ आ जाएगी। तो कैसर भाई वीडियो कैमरा बेशक बंद कर दीजिए, बाकी सब ने बंद किया हुआ है। तो ये जैसे ही स्टार्टर टेम्पलेट एक्टिवेट हमारा होता है इसके बाद हम अपनी फर्दर प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो बेशक लंबी हो जाए या टाइम हो जाए, किसी बंदे को अगर इश्यू हो तो बेशक बता के लीव कर सकते हैं, बगैर बताए भी लीव कर दे, कोई इश्यू नहीं है। वीडियो आपको यूट्यूब पे इंशाल्लाह मिल जाएगी, तो आप इसको देख के अपने मुताबिक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे अभी ये हमारी आगे लुक चेंज हो गई है, जो अस्ट्रा किया आ गई है, ठीक हो गया। इसके बाद जैसे स्टार्टर का भी अपडेट होता जाएगा तो आपको साथ साथ इसके बारे में भी नॉलेज हो जाएगा कि भाई किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब इस इनका स्टार्टर टेम्पलेट हो रहा है तो इस तरीके से ये हमारा चल जाएगा। इधर से भी वेबसाइट कस्टमाइजेशन हो जाती है, ठीक है।
इधर से आपका सैंपल पेज भी बना हुआ है, मेन्यू वगैरह बनाना पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था, और इधर से भी हम अपने डैशबोर्ड पेज पे थीम और विजेट्स वगैरह को देख सकते हैं। तो इस चीज़ को अभी हम देखते हैं। तो ये स्टार्टर टेम्पलेट एक्टिवेट हो जाए तो हम इसकी चीज़ें सारी गो थ्रू करते हैं। वर्डप्रेस के बारे में आप एसएमएस करके बता सकते हैं कि आप को कितना नॉलेज हमारी तरफ से गेन हो गया है, कि आप मतलब काम किस तरीके का आगे लेकर चल रहे हैं और क्या कैसा चल रहा है। तो वीडियो बेशक लंबी हो रही है क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने पहले से इंस्टॉल वगैरह करके नहीं रखी हुई थी, तो इसलिए अगर किसी भाई का क्वेश्चन हो जो प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं तो वो बता दे कि भाई मुझे आगे किन लेक्चर के ऊपर आपको काम देना। आमिर शहजाद ऑनलाइन है, जवाद ऑनलाइन है, एक लिनावो आ रहा है, एक मतीन करीम साहब आ रहे हैं, कैसर मकसूद साहब आ रहे हैं, शानी आ रहे हैं, जाफर अब्बास साहब आ रहे हैं, आमिर भाई ये बंदे ऑनलाइन हैं। ये प्लग एक्टिवेट हो जाए स्टार्टर टेम्पलेट, उसका अस्ट्रा का एक प्लगइन है जो कि हमें मतलब टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करता है कि हम वेबसाइट बनी बनाई हमें मिल जाती है और उन टेम्पलेट्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एलिमेंटर पेज बिल्डर का इस्तेमाल करके अस्ट्रा को इस्तेमाल करके एक पोर्टफोलियो बनाएंगे आज, और एलिमेंटर के अंदर जितने टूल्स हैं उनके बारे में आज के दिन की हमारी गाइडलाइन होगी। तो किसी भाई का अगर क्वेश्चन वगैरह कोई है तो मैसेज के करके बता सकते हैं कि इसने एलिमेंटर के ऊपर अगर पहले काम किया हो या उसके बारे में रिसर्च वगैरह की हो तो बेशक अपना माइक ओपन करके बात कर सकते, बता सकते हैं कि भाई मैंने इस्तेमाल की है या उसके बारे में नॉलेज वगैरह किसी को है तो वो बता सकते हैं। तेरा यार उधरों म्यूट कर ऐला ठीक है। लोकल डब्ल्यू पी किस किस बन किस किस भाई ने इंस्टॉल कर लिया है और उसको यूज़ कर रहे हैं काइंडली उसके बारे में मुझे बता दें, जिन भाइयों ने मतलब मेरी वीडियो देखी है या किसी और की वीडियो भी देख के अगर आपने इंस्टॉल किया है तो उसके बारे में मुझे बता दें कि भाई आपने किस तरीके से इंस्टॉल किया है।
ये स्टार्टर टेम्पलेट इंस्टॉल हो चुका है, तो हम इसकी लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपने ब्लॉक एडिटर करना है जिसको गुटेनबर्ग कहते हैं, या एलिमेंटर के ऊपर आपने काम करना है, या बीवेयर बिल्डर के ऊपर काम करना है। हम प्रायोरिटी देंगे एलिमेंटर पेज बिल्डर को। ठीक है, अब उसके लिहाज से उसने बता दिया है कि ये टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। अभी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कि फ्री ने लेटेस्ट हो। ठीक है, और इधर से हम अब अपने लिए बनानी है, लोकल बिजनेस बनाना है। उसमें देखें आपको सामने आ रहा है इलेक्ट्रीशियन आ रहा है, एसी प्लम्बर आ रहा है, ठीक है, कोरियर डिलीवरी वाला आ रहा है, रूफिंग सर्विसेज वाला आ रहा है, पर्सनल आ रहा है, सैलून पर्सनल केयर में सैलून आ रहा है, ब्यूटी आ रही है, फिटनेस योगा, और प्रोफेशनल में आपके सामने अकाउंटेंट ला, मेडिकल, फोटोग्राफी और वेब डिज़ाइनर। हम अभी वेब डिज़ाइनर के ऊपर क्लिक करते हैं क्योंकि हमने वेबसाइट वेब डिज़ाइनर के अकॉर्डिंग बनानी है। ठीक है, अब जैसे ही आप देखेंगे इसमें कुछ पे टेम्पलेट्स होंगे, कुछ फ्री होंगे। ज़्यादातर हमने टेम्पलेट्स जो यूज़ करने हैं वो फ्री वाले यूज़ करने हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं जिसकी लुक हमें अच्छी लगे। तो इसमें अब हम फ्री वाला चेक कर लेते हैं। ये पर्सनल पोर्टफोलियो आपको नजर आ रहा है, आदम यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर आ रहा है, लोकल बेकरी आ रही है, ठीक है, वीडियो एडिटर का आ रहा है, ठीक है, फ्रीलांसर डिजिटल डिजाइनर आ रहा है, और बहुत सारे आ रहे हैं। तो इस तरीके से अभी हम इस टेम्पलेट को हम यूज कर लेते हैं। ठीक हो गया, इधर वो पूछ रहा है कि आप अपना लोगो सबसे पहले लगाएं। ठीक है, अभी हम मीडिया सोर्स में देखते हैं, हमारे पास लोगो होना चाहिए। ठीक है, डाटा वगैरह सारा हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, एक ये हम जनरल पर्पज के लिए अभी लोगो सपोज करें कि एक कंपनी हमने बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने अपना लोगो लगा दिया। ठीक है, ये हमारा लोगो आपके सामने आ गया। ठीक है, और ये होम अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट एंड हायर मी, मतलब मैं डेवलपर हूँ और मुझे हायर करें। ठीक है, कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, इधर से वो पूछ रहे कलर स्कीम आप कौन से रखना चाहते हैं। इसमें हम कलर स्कीम कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, जो मुझे अच्छी लग रही हो। ठीक है, और हम यही रख लेते हैं। ठीक है, नीचे से वो फॉन्ट पूछ रहा है, फॉन्ट आपने वाला कौन सा रखना है। ठीक है, उसके बारे में पोपिंस लेट रखना है, ठीक है, रोबोटो रखना है, वो आपकी मर्जी है। मैं ज़्यादातर रोबोटो के ऊपर काम करता हूँ तो मुझे रोबोटो अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे इसकी रोबोटो हो गया। ठीक है, इधर हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, कुछ नाम एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहे आप इंटरमीडिएट बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एक्सपर्ट हैं। हम एक्सपर्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और अब वो पूछ रहे कि आपने क्लाइंट के लिए बिल्डअप करनी है या मतलब अपने लिए बिल्ड करनी है। मैं कहता हूँ कि मैंने अपने लिए बिल्ड करनी है, अपनी कंपनी के लिए बिल्डअप करनी है। इसको हम सबमिट कर देते हैं। इतनी देर तक वो हमारा जो सा टेम्पलेट है वो तैयार होके आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अभी वो टेम्पलेट हमारा तैयार होके आते हैं, तो हम इसको ज़रा रिफ्रेश कर देते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें वो साथ साथ थोड़ी थोड़ी डिस्प्ले करना शुरू कर देगा, लेकिन अभी वो इंस्टॉल नहीं हुआ क्योंकि अभी थोड़ा सा हुआ है, तो वो चीज़ें 7% हुए हैं, तो वो जैसे ही वो सारा इंस्टॉल हो चुका होगा तो वो आपको सामने नज़र आ जाएगा। ठीक है, एलिमेंटर पेज बिल्डर के टूल्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर तक कि वो किस तरीके से किन कैटेगरीज में आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं उनमें। तो अभी हम थोड़ा सा जो टाइम लेगा क्योंकि ये इंस्टॉल टेम्पलेट नहीं था, तो ये इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है वेबसाइट, तो ये अभी हमें टेम्पलेट पूरा जनरेट करके देगा। ठीक
ठीक है, अभी हम डैशबोर्ड में चले जाते हैं, डैशबोर्ड का ओवरव्यू हम ले लेते हैं। ठीक है, इसमें देखें अब अस्ट्रा का ये हमारा फीचर आ गया है, अस्ट्रा को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब डैशबोर्ड के ऊपर आ रहा है वेलकम टू स्टार्टर टेम्पलेट वर्डप्रेस पेज बिल्डर, मतलब गुटेनबर्ग जिसको का नाम दिया जाता है, और ये एलिमेंटर पेज बिल्डर, और ये ब्रेवरी है। इस तरह टेम्पलेट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इससे अपीयरेंस में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा प्लगइन जो उनका स्टार्टर टेम्पलेट है वो हमें मिल जाएगा, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, पोस्ट वगैरह की कैटेगरीज उस दिन मैंने आपको बताई थी किस तरीके से कैटेगरीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आज बता देता हूँ एक टैग्स जनरेट करने का तरीका। ठीक है, अभी हम एड टैग नेम, आपने क्या टैग लगाना है, कौन सा कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ एलिमेंटर, एलिमेंटर एक कीवर्ड है। ठीक, एड न्यू टैग के अंदर कर दिया, वो एलिमेंटर का टैग अब सेव हो गया। अब हम कोई भी पोस्ट बनाएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरीके से कीवर्ड्स और को यूज करना है और उनको आगे लेके चलना है। ठीक है, ये हैशटैग के मतलब कैटेगरी है, जिस तरीके से फेसबुक के ऊपर आप हैशटैग लगाते हैं कि मेरी पोस्ट पॉपुलर बन जाए, तो इसके अंदर भी कोई भी पोस्ट को ऊपर लाने के लिए उसके अंदर कीवर्ड्स का अच्छा चुनाव किया जाता है। ठीक है, कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया था, मीडिया के बारे में आपको पता है। ठीक है, पेजेस में आपने मुख्तलिफ पेजेस, ऑल पेजेस आ जाते हैं, और ऐड न्यू कैटेगरी, इसमें मतलब इसके एक हिस्से को क्लिक करके आगे दो और मतलब ना बटन आ जाते हैं, या दो सीढ़ियाँ आ जाती हैं आपके सामने के ऑल पेज आपने चेक करने हैं, यह नया एक पेज क्रिएट करना है। ठीक है, इसी तरीके से कमेंट एक ही मतलब बटन है, डंडा है मतलब, और अपीयरेंस के अंदर मतलब 5-6 मिल जाते हैं आपको इसके आगे जितन जोन से हैं। ठीक है, प्लगइन के अंदर भी इसी तरीके से 3 मिल जाते हैं कि इंस्टॉल प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन, प्लगइन एडिटर। ठीक है, इस तरीके से यूज़र में आगे 3 मिल जाते हैं, और टूल्स के अंदर भी इसी तरीके से 4-5 मिल जाते हैं आपको, सेटिंग के अंदर भी मिल जाते हैं। ये जनरल सेटिंग्स होती हैं, मतलब जनरल सेटिंग्स है राइटिंग के लिए। ठीक है, रीडिंग के लिए क्या क्या करना चाहते हैं आप, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें सामने नजर आ जाती है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई इशू नहीं है, टाइम लेगा क्योंकि इंस्टॉलेशन को इसी चीज़ को टाइम दरकार होता है, तो इस तरीके से अब हम उसको देखते हैं। किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो कि हम टेम्पलेट को क्यों यूज़ करते हैं, या क्या तो क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम टेम्पलेट ही उठा के इस्तेमाल करें, तो कोई भाई सवाल वगैरह पूछना हो तो बेशक चैट में पूछ ले, या माइक अपना ऑन करके पूछ सकता है। टेम्पलेट जो से होते हैं बिल्ट इन वर्डप्रेस के अंदर बने हुए होते हैं, कुछ टेम्पलेट हम अपनी मर्जी के बनाए जाते हैं, कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं कि हमें क्लाइंट को जल्दी अगर डिलीवर करनी हो तो हम टेम्पलेट्स का इस्तेमाल चुन लेते हैं कि कौन सा ऐसा मतलब टेम्पलेट मतलब हो के इंटरफेस हो के हमारे यूज़र को या हमारे करीबी रिलेटिव को तो कोई भाई किसी भाई का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं जब तक वो टेम्पलेट हमारा इंस्टॉल हो रहा है।
होगा, जब तक वो पूरा इंस्टॉल नहीं होगा तब तक हमारे लिए एक इशू बना रहेगा कि हम कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हर चीज़ का वर्जन अपडेट हुआ होना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ में किसी किसी भी पर्पज़ के लिए इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं अगर प्लगइन वगैरह और सारी चीज़ें अपडेट ना हुई हों, तो इस वजह से इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अगर भाई किसी भाई का कोई सवाल वगैरह कोई नहीं आ रहा, कोई आज नाराज़ आज लगता है किसी का सवाल है नहीं या नाराजगी वगैरह है? नहीं नहीं नाराजगी नहीं है, असल में मेरा ख्याल है कि जो आज कर रहे हैं ना वो उन्होंने पहले दिखा नहीं हुआ ना, प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं है। और पिछली शायद उनकी प्रैक्टिस नहीं है ना अभी, तो नेक्स्ट पे इंशाल्लाह क्वेश्चन होंगे इनके। ठीक है, जैसे ही वर्डप्रेस अपडेट हो जाती है तो इंशाल्लाह स्टार्टर टेम्पलेट को जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा, कोशिश यही है क्योंकि वर्डप्रेस के अपडेट की वजह से इशू कर किया तो हम थोड़ा लेट कर रहे हैं। तो जैसे ही अपडेट
जैसे ही अपडेट होती है, जैसे ही अपडेट होता है तो ये हम करते हैं। लोकल सर्वर जो होता है वो लोकल ही मतलब आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हुआ होता है, जो कि मतलब सर लोकल ही आप मतलब अपने सिस्टम के अंदर ये वो प्रोजेक्ट खुद ही देख सकते हैं, किसी दूसरे को नहीं दिखा सकते। लेकिन लोकल WP में एक बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है, जो कि आप किसी भी बंदे को अगर दिखाना उसको यूज़र नेम और पासवर्ड भेज के अपना सेट करते हैं और उसको लाइव दिखा देते हैं कि ये चीज़ मैंने आपके लिए बनाई है। तो इसमें इसमें मतलब लोकल WP एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मतलब सारी चीज़ें हुई हुई होती हैं। उसका भी इस तरीके से मतलब डेटाबेस का होता है, जिस तरीके से अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर हम लोकल होस्ट जैसे लिखते हैं ना, तो ये मेरा एग्जाम सर्वर के बारे में आ जाता है, ठीक है। इसमें अपाची फ्रेंड्स, ठीक है, एप्लीकेशन FAQs, हो टू यूज, ठीक है, PHP माई एडमिन आ जाता है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ डाटा बेस बनती हैं, ठीक है। ये 7.4.25 वर्जन है, ठीक है, जो कि वर्डप्रेस के लिए और भी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए कंपेटेबल है, जिसमें हम कर सकते हैं।
राजे साहब इनको ना वीडियो का भी हल्का सा वो टच दे दें, जिसमें लोकल सर्वर से अगर आपका सिस्टम ऑन है तो आप अपना यानी के वो लिंक किसी भी दोस्त के साथ शेयर करके उसको अपनी वीडियो जो है वो दिखा सकते हैं ना, और सॉरी वेबसाइट बनी हुई अपनी लोकल मशीन में। ठीक है, जब यानी कि आपकी कोई इंस्टॉलेशन या कोई इस तरह का काम हो साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी बिल्ड करते जाए ना इनको। ठीक है, अभी हम लोकल WP को चेक कर लेते हैं क्योंकि अभी वही पोर्ट चल रही है XAMPP सर्वर के ऊपर और हो सकता है इशू क्रिएट कर दे, तो अगर इशू ना क्रिएट किया तो हम इंशाल्लाह अभी आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से उसको लाइव इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये सारा कोई बंद हो गया, मेरे पास जूम नहीं है, ना जूम प्रो नहीं है, वो उसने बंद कर दिया सब कुछ, मतलब इतनी लंबी होस्ट। दोबारा मैं चले, ठीक है मैं कर दूंगा, मैं एक मिनट वो चीजें इंस्टॉल मैक में। जी हाँ, अच्छा ठीक है, चले ठीक, कोई इशू नहीं, एक मिनट बहुत चीज़ें इंस्टॉल हो जाए ना, अपडेट हो जाए, मैं फिर क्लास ज्वाइन करता हूँ ताकि ना इशू ना करे बार बार। हाँ 5 मिनट का सबको कह दें।
ये आपके सामने वेबसाइट सामने आपका शो हो रही है, ठीक है, जिसमें होम आ रहा है, अबाउट आ रहा है, पोर्टफोलियो आ रहा है और कॉन्टेक्ट अस आ रहा है और हायर मी का बटन आ रहा है, ठीक है। उसके ऊपर एक आईडी लगी, हैश लगा हुआ है, मतलब उसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अबाउट मी, व्हाट सर्विस आई एम डू, ये चीज़ें आपके सामने आ रही है, ठीक है। प्रोग्रेस बार आ रही है, ये स्लाइडर आ रहा है, ठीक है। ये स्लाइड डाउन आगे, मतलब ना मैंने ये वेबसाइट्स डेवलप की हुई है, जैसे कि मतलब कोई भाई हमारा दोस्त भाई बहन भाई बनाते हैं वेबसाइट, तो वो अपना पोर्टफोलियो मतलब जब वेबसाइट बनाएंगे तो इस तरीके से एक टेम्पलेट के तौर पे है, ठीक है। अभी हम इसको एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, ठीक है। ये होम पेज है हमारा, सबसे फ्रंट पेज इसको हम कहते हैं, ठीक है, जो यूजर को नजर आ रहा होता है कि यूजर ने इसके इस पेज को किस तरीके से लेना है। तो इस तरीके से एलिमेंटर पेज बिल्डर आपके सामने ये शो हो गया, ठीक है। अभी प्लगइन के अंदर मैं आपको प्लगइन दिखा देता हूँ कि एलिमेंटर का प्लगइन इंस्टॉल हुआ हुआ है तो वो हमारे काम अब चलेगा, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंटर फ्री वेरिएंट इंस्टॉल हो गया, ठीक है। और जो सब प्लगइन नहीं चाहिए होते उनको डिलीट भी कर देते होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने एलिमेंटर का जब तक लोड होता है। तो इससे पहले कि हम अभी लोड होने तक हम बता देते हैं कि डब्ल्यू पी लोकल को हम लाइव किस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये सामने आपके आ रहा है इनेबल लिंक्स का, ठीक है। लाइव लिंक किस तरीके से इनेबल करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये कुछ टाइम लेगा तो आपको एक यहाँ पे इंटरफेस नया नजर आएगा, ठीक है। ये नीचे नजर आ गया, ठीक है। ये आ रहा है लाइव लिंक, ठीक है। इसको जैसे ही मैं कॉपी करके ना कॉपी करता हूँ और इधर लेकर आता हूँ, ठीक है। ठीक है, जब मैं से यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, कि आपने मतलब क्या चीज बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इधर से हम पासवर्ड अपना ले लेते हैं, ये चीज हमारे सामने शो हो गई है कि हम शो हो जाएगी कि हमारी वेबसाइट लाइव किसी बंदे को अगर आपने दिखानी हो तो ये लोकल डब्ल्यू पी के अंदर एक फंक्शनैलिटी है। दरमियान एक टनल लगा हुआ है, ठीक है। टनल मैं आपको दिखा देता जो लगा हुआ है, ठीक है। ये वेब सर्वर एनजीनिक्स लगा हुआ है जिस जो कि टनल के तौर पर वहाँ पे काम कर रहा है कि आपके वेबसाइट को लाइव दिखा रहा है। ये पीएचपी के कुछ वर्जन में काम करता है, कुछ वर्जन में काम नहीं करता। अगर पीएचपी का वर्जन मतलब नहीं होगा अच्छा तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। वो यहाँ से हमने स्टार्ट नहीं की थी लोकल टेक वेबसाइट, तो इस वजह से वो अभी टाइम ले रहा है, ठीक है। ये आपके सामने डैशबोर्ड आपके सामने आ चुका है, ठीक है। एलिमेंटर क्या, ठीक हो गया। एलिमेंटर पेज बिल्डर काम किस तरीके से करता है, ठीक है। एलिमेंटर पेज बिल्डर के अंदर ये एक कंटेनर है, जो कि ये आपके सामने एक कंटेनर बना नजर आ रहा है। ये एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर सब कंटेनर एक बना हुआ, ठीक है। मतलब एक टेक्स्ट आया हुआ है, ठीक है। ये टेक्स्ट की हेडिंग आप जैसे यहाँ पे लगाते हैं तो ये देखें आपका टेक्स्ट आपके सामने आ गया, ठीक है। अभी हम इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, ठीक है। ये एक मतलब कंटेनर है जिसमें हमारे मतलब चार सोशल मीडिया अकाउंट्स लगे हुए हैं, जिनमें एक लिंक्डइन है, एक इंस्टाग्राम है और एक अलग है और एक मतलब बी अवेयरनेस है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे इधर आ सकते हैं, प्रिंट पी इंटरेस्ट आ सकता है, ठीक है।
फेसबुक आ सकता है, ट्विटर आ सकता है, ठीक है, और बहुत सारे लिंक्स आ सकते हैं, ठीक है। अभी इस टेक्स्ट के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आ गया कि आई एम अ वेब डेवलपर, और यहाँ पर आ गया इसका अपना नाम लिखा हुआ है। मैं इसका नाम हटा देता हूँ, कहता हूँ कि नहीं, इसका नाम अच्छा नहीं लग रहा। इधर हम अपना नाम लिख देते हैं, ठीक हो गया, ये आ गया। इसके बाद एक नीचे टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, ये इधर से हम क्लिक करते हैं, ये आ जाते हैं, ठीक है। ये जो उनका टॉगल है, इसके हमारे मतलब टूल्स जितने भी हैं उसके हमारे सामने नजर आ जाएंगे, ठीक है। ये टेक्स्ट एडिटर है, इसको अब हमने ऊपर डालना है, नीचे डालना है, ये हमारी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब ऊपर वाले क्लिक करेंगे वो उसका टेक्स्ट नजर आ रहा है, और ये नीचे हमारा अपना टेक्स्ट नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, इधर कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, आई एम प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइनर इन वर्डप्रेस, ठीक होगा, ये लिख देते हैं, ठीक है, हमने लिख दिया, ठीक है। ये बटन बना है, बटन भी इधर अभी मैं दिखा देता हूँ, बटन ये चीज इधर, ये बटन भी आ गया आपका, ठीक है, ये बटन आप देखें लगा हुआ है, ठीक है। अब इसकी सेटिंग्स के अंदर, इनकी सेटिंग के अंदर भी जाके देखना चाहिए कि इनकी सेटिंग कैसी हुई है, ठीक है। अब इसका कलर अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा ब्लू, तो ये हम हेडिंग का कलर अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं ब्लैक अच्छा लग रहा है, ठीक है, डार्क ब्लैक अच्छा लग रहा है, ठीक है, ठीक है। इसकी टाइपोग्राफी अगर चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट को स्ट्रोक लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब इधर से हम कर देते हैं रेड कर देते हैं, ठीक है। देखा ये इस तरीके का डिजाइन हमारा बन गया। जितने इधर मतलब ऐड करेंगे, जैसे हम मतलब 5 ऐड कर देते हैं, ठीक है, और कलर इधर से हम रेड कर देते हैं। अब देखिए 5 की स्ट्रोक उसके ऊपर लगी है, तो वो कितना डार्क हो गया, 5 की नहीं बल्कि 15 की लग गई है, ठीक है। अभी हम उसको 2 की देते हैं या 3 की देते हैं, ठीक है। हल्का सा पिंक की शेड देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब एक मतलब उसने किस तरीके से ये चीज ली है, कंटेनर बनाया कैसे है, ठीक है। इसकी चीज ऐड कंटेनर के ऊपर प्लस करते हैं हम, और यहाँ पे ऐड कंटेनर के ऊपर जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि एक होती है डायरेक्शन डाउनवर्ड, मतलब उसके अंदर चीजें निचली साइड पे हैं। तो अब नीचे वाली साइड पे आएंगे तो ये एक कंटेनर है, ठीक है। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब चीजें मतलब एक टेक्स्ट लिखा हुआ उसके आगे एक और मतलब हमने उसका पैराग्राफ लिखना है, तो जो उनसे मतलब बारीक लिखा होता है इसको पैराग्राफ कहा जाता है। तो ये चीज हमने यूज करनी है, ये हमने दो कंटेनर इकट्ठे यूज करने, जैसे ये हमारे सामने इस्तेमाल हुए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से एक छोटा यूज करना है, जैसे ये एक छोटा है, एक बड़ा है, एक उससे बड़ा है। ये 4 वाला भी नहीं है, ये 3 वाला है, ठीक है। लेकिन 3 वाले में उधर हमारा साइज जो उनसा होगा वो हमारा एडजस्ट हुआ हुआ है, कि वो बिल्कुल छोटा होगा, दरमियान वाला थोड़ा बड़ा होगा, और ये जो तो तीसरे नंबर वाला होगा, इधर सिर्फ हमने इमेज दिखानी है। तो इस तरीके से वो आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये 4 डब्बे बन जाएंगे, ठीक है, ये 2 ऊपर और 1 नीचे बड़ा डब्बा बन जाता है, ठीक है, 1 साइड पे और 2 ऊपर नीचे भी कंटेनर बन जाते हैं। ये 3 ऊपर 3 नीचे 6 बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये भी इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, ये मेरा ख्याल है डाउनवर्ड है और ये अप मतलब साइड टू साइड है। ये एक इस तरीके से बन जाएगा, ये मुख्तलिफ कंटेनर आपके सामने एलिमेंटर के आपके सामने शो हो गए, ठीक। अभी हम मतलब सपोज करें, हम कहते हैं ये इमेज हमें इधर से हटानी है, ये इमेज हमारी हट गई, ठीक है। इधर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमने कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। अगर बटन हमें नहीं चाहिए तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, ये एडिट बटन आ रहा है, डुप्लीकेट बटन आ रहा है,
मतलब डुप्लीकेट करना है तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड की प्रेस करेंगे तो ये वापस चला जाएगा। कंट्रोल जेड जो ये एक आपका कीबोर्ड के ऊपर एक साइड के ऊपर कंट्रोल का बटन बना होता है और जेड को, ठीक है। और इसका स्टाइल वगैरह कॉपी करना है, किसी और का कॉपी करके लाना है तो वो चीज़ें। अब मैं कहता हूँ मुझे बटन अच्छा नहीं लग रहा, बटन को डिलीट कर दो, ठीक है, सिर्फ ये चीज़ें नजर आए, ठीक है, और ये चीज़ मतलब इमेज मेरी मेरी ना नजर आए, ठीक है। अब हम नीचे आए, नीचे हमने देखा कि एक अबाउट अस का ये कंटेनर बना हुआ, ठीक है। इसके एडवांस स्टाइल में चले जाते हैं बॉक्स के, वो कह रहे हैं कि इसको क्लासिक किया हुआ, इसका कलर वाइट किया है। हम कहते हैं इसका कलर रेडिश कर दो, ये आप देखें बिल्कुल आंखों को चुभ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम कलर स्कीम अपनी कर देते हैं, ठीक है, ये क्लासिक हो गया। इमेज वगैरह लगाना चाहते हैं यहाँ पर, इमेज भी आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, अपलोड में चले जाएं अपनी कोई भी इमेज आपकी, सपोज करें ये इमेज एक लगा देते हैं, अब देखें ये इमेज आ गई, ठीक है, ठीक है। अब ये अबाउट अस नजर ही नहीं आ रहा, या इसके ऊपर जो इमेज तैयार हुई है इसके ऊपर ये चीज अच्छी नहीं लग रही, तो अभी हम इमेज को फिलहाल डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एक चीज होती है कि हमने मतलब अपडेट की है और पब्लिश का अपडेट कर देते हैं, एक तरीके कार होता है सेव एज ड्राफ्ट, ठीक है। सेव एज ड्राफ्ट का मतलब ये होगा कि आपने कुछ चीज बाद में चेंज करनी हो, यूजर को नहीं दिखानी कोई चीज, तो वो आपने सेव एज ड्राफ्ट में दिखा चली जाएगी। और सेव एज टेम्पलेट करेंगे तो वो एक टेम्पलेट बन जाएगा, मतलब जैसे कि आप कोई मतलब इधर कंटेनर वगैरह लगाते हैं तो वो एक कंटेनर अपना बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से अभी व्हाट सर्विस आई एम प्रोवाइडिंग, ठीक है, इधर हम कहते हैं हमें ये नहीं चाहिए, इधर हमें चाहिए आवर सर्विसेज, ठीक हो गया, आवर सर्विसेज का दी, ठीक है। इधर नीचे कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख दिया, अब हम कहते हैं जी हमने ये तीन नहीं हमने ज्यादा देनी है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ क्लिक करके डुप्लीकेट, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये चीज़ डुप्लीकेट हो जाती है, लेकिन ये हर एक चीज़ अलग अलग है तो ये एक कंटेनर के अंदर बंद नहीं है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जी हम डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं करते, तो हमें डिजिटल मार्केटिंग की जगह हम कर देते हैं पॉइंट ऑफ सेल की सर्विस हम दे देते हैं, ठीक है। इधर हम कर देते हैं वेबसाइट वेबसाइट डिजाइनिंग कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमने इस चीज को इस्तेमाल करना है। अब एक टूल ये देख लेते हैं कि ये प्रोग्रेस बार क्या चीज है, ठीक है। ये एक इसका मतलब बिल्ट इन है कि प्रोग्रेस बार, ठीक है, प्रोग्रेस बार, एक प्रोग्रेस ट्रैकर होता है, वो मतलब पेड प्रीमियम वर्जन में आ रहा है। प्रोग्रेस बार जो उनकी वो फ्री वर्जन में आ रही है वो आपके सामने। अब आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप एक सीवी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, इसमें आप पोर्टफोलियो में अपना वो चीज़ भी लिख सकते हैं कि मेरा वर्क एंड एक्सपीरियंस कितना है, इस कंपनी में इतना अर्सा काम किया है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब आपको एलिमेंटर पेज बिल्डर के मतलब अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी वेबसाइट अपडेट हो जाएगी।
ठीक है, अभी वो अपडेट के ऊपर जा रही है, ठीक है, अभी हम विजिट साइट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, उसकी जो चीज़ अपडेट हुई होगी हमारे सामने नज़र आएगी। तो एलिमेंटर पेज बिल्डर के बारे में आपको और चीज़ें मैं नीचे टूल्स वगैरह दिखा देता हूँ, ठीक है, हेडिंग के बारे में बता दिया है, इमेजेस के बारे में, ठीक है, अब ये इमेज हमने लगाई, ठीक है, अब इमेज के देखें कैसे यार, इमेज मतलब एक डमी कंटेंट आपके सामने आ जाता है, आपने फिर उसके बारे में देखना होता है कि आपने किस साइज में रखना है, थंबनेल साइज में रखना है, मीडियम रखनी है, ये अपना जो सा बिल्ट इन साइज चल रहा है, ठीक है, उसका स्टाइल चेक करना है, वेड्स और हाइट, अब आप कहते हैं वेड्स इतनी होनी चाहिए, ठीक है, इतनी होनी चाहिए, ठीक है, वो उस लिहाज से सेट हो जाएगी, आप कहते हैं कि नहीं वो जैसी है वैसी रहे, तो इस तरीके से हो जाती है, ठीक है। अब हाइट के बारे में, अब हाइट जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये इमेज होगी, इसी तरीके से वीडियो है, डिवाइडर है, बटन आपने देखा होगा, अगर स्पेस कोई क्रिएट करनी हो किसी जगह पे तो ये स्पेसर के तौर पे काम करते हैं, ये अब इतनी स्पेस क्रिएट करेगा, ये स्पेस खाली जगह आपने मतलब अगर कोई छोड़नी है, मतलब एक चीज को दूसरी चीज से अलग करना है तो उसके लिए स्पेसर का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो कि मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है क्या। अब जैसे आइकन है, आइकन लगाते हैं, ठीक है, अब इसका ये चीज़ बन गई, आइकन लग गया, ठीक है। अब आइकन की आगे देखें तो आइकन बहुत सारे एलिमेंटर के अंदर बिल्ट इन आपको मिल जाते हैं, जैसे वॉलेट का मिल जाता है या किसी और चीज़ का मिल जाता है, ट्रैश का मिल जाता है या सिग्नल्स का मिल जाता है, वो आप जिस तरीके की वेबसाइट बनाएंगे उस तरीके से आइकन वगैरह आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये ब्लूटूथ का आइकन है, ठीक है, इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी कंट्रोल जेड करते हैं और इस तरीके से अब आगे चलते हैं, पोस्ट का भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, पोस्ट अभी प्रीमियम वर्जन में आ रही है, ठीक है, ठीक है, कुछ चीज़ें प्रो में, ये प्रो वाले को हम अभी बंद कर देते हैं, ठीक है। इमेज बॉक्स आ जाता है, ठीक है, ठीक है, इमेज बॉक्स अब आ गया, इमेज लगा सकते हैं, उसके नीचे हेडिंग लगा सकते हैं और उसके नीचे एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं कि ये किस चीज के बारे में बताया जा रहा है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये अभी किसी भाई का अगर क्वेश्चन वगैरह हो, किसी भाई का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो भी साथ साथ मेरा शेयर करें कि किसी टूल के बारे में समझ ना आ रही हो तो प्रोग्रेस बार की मैंने आपको बता दी, आइकन लिस्ट डाउन मतलब 1, 2, 3 के तरीके से आ जाएगा, ठीक है, और इमेज कैरोसेल मतलब जैसे इमेज कैरोसेल मतलब स्लाइड जैसे होती है, ठीक है। अब मीडिया लाइब्रेरी से हम लगा देते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं हम कहते हैं, ठीक है, ये चीज, ठीक है, वो भी थोड़ी देर तक शो हो जाता है, ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये गैलरी आप सामने शो हो रही है, ठीक है, ये इमेज कैरोसेल होता है, मतलब कैरोसेल मतलब के कोई इमेजेस को मतलब ना आगे पीछे, जिस तरीके से हम वो कहते नहीं जब मोबाइल को हर टाइम फेसबुक देखते रहते हैं, स्वाइप करते रहते हैं या स्टोरी देखते रहते हैं, एक क्लिक करते हैं आगे लेके जाते हैं, दूसरे का देखते हैं, दूसरे तीसरे तरह जाते हैं, तो ये इस तरीके इमेजेस का कैरोसेल वेबसाइट के अंदर इस तरीके से बनता है कि मतलब आपने इस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया।
अब ये काउंटर के बारे में आपको बता दूं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 100 है, ठीक है, हम कहते हैं जी 990 नहीं हो जाए। अब देखिए कैसे काउंटर चल रहा है कि हमारा मतलब टेक्स्ट हम कूल लिखा आ रहा है, इधर हम कर देते हैं हैप्पी कस्टमर, भाई हमारे हैप्पी कस्टमर 999 है, ठीक है, इस तरीके से इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं कि आवर प्रोजेक्ट डन, ठीक है, उसका काउंटर चलेगा जब लोग विजिट करेंगे, मतलब आपने इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हुए हैं और ये चीज़ आपने इतनी की हुई है तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये एलिमेंटर पेज बिल्डर, मतलब आप टेम्पलेट ना भी यूज़ करें तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से आप यूज टू कर सकते हैं। तो किसी भाई का और सवाल जवाब हो तो मुझे बता दे, तो मैं ताकि कोई शॉर्ट कोड डालना है या HTML का कोड डालना है, ठीक है, साइड बार डालनी है। अब साइड बार हमें क्रिएट की नहीं हुई, ठीक है, तो अब मेन साइड बार हमने एक डमी उसको कहा है कि हमारे लिए जनरेट कर दे, ठीक है, अब देखें किस तरीके से एक साइड बार उसने हमें जनरेट करके दे दी है, ठीक है, इस तरीके से हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ जहाँ पे हमारे लिए अच्छी होगी वो वहीं पे हम लगाएंगे, ये नहीं कि जो चीज़ हम जो ऐसे ही मतलब ना गंदी सी वेबसाइट बना के यूज़र को देते रहें तो आगे से यूज़र भी हमारा हमें रिस्पॉन्स ना दे, तो इसलिए ठीक है, टेक्स्ट प्लान है, रीड मोर है, रेटिंग है, ठीक है, रेटिंग आप मतलब किसी भी चीज़ की रेटिंग आपने रखनी है कि जी अब 5 स्टार है, ठीक है, अब हम कहते हैं नहीं 3 स्टार रेटिंग देते हैं, ठीक है, वो 3 स्टार आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से मतलब सेंटर अलाइन करने हैं, सेंटर में चले जाएंगे, तो ये चीज़ें आपके सामने आज रखी गई हैं जो कि आपने आज सीखी हैं। तो आमिर भाई कोई सवाल हो एलिमेंटर पेज बिल्डर के लिहाज से और वेबसाइट के लिहाज से, जैसे कि ये आपके सामने आ रही है, ये आपके सामने मतलब जो चीज मैंने एडिटिंग की है, अपडेट जब किया है तो उसमें ये चीज़ आ गई, देखें, ठीक है, आई एम वेब डेवलपर राजा दानियल मुश्ताक, लिंक्डइन आ रहा है, ठीक है, इंस्टाग्राम आ रहा है, ठीक है, ये इमेज हमने लगाई थी, ठीक है, अब इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ नजर ही नहीं आ रहा है, अब उर्मी में हम बताना क्या चाहते, ठीक है, इस वीडियो का हमने छेड़ा नहीं था, ठीक है, वीडियो नहीं है वो डमी आईडी है, ठीक है, जैसे कि व्हाट माय क्लाइंट से स्टे इन टच, ठीक है, क्लाइंट्स के बारे में, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हम अबाउट अस के पेज में जाते हैं, you
आप अबाउट अस में अपना फ्रंट एंड अबाउट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि इस पेज को भी हम एलिमेंटर के अंदर एडिट कर सकते हैं, ठीक है, आप एडिट विद एलिमेंटर हम करते हैं, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम ले जाते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो के पेज पे जाते हैं, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं कि कैसी पोर्टफोलियो का पेज पे क्या बना हुआ है, ठीक है, तो ये अभी अबाउट का पेज एडिट हो रहा है, ठीक है, पोर्टफोलियो भी अभी आ जाएगा, पोर्टफोलियो में मेरा ख्याल है वर्क एंड एक्सपीरियंस उनका होगा, वेब सर्विस गेट फॉर्म, मतलब आप कौन सी सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है, ये वेबसाइट डमी पड़ी होंगे, ठीक है, ये अबाउट अस में पोर्टफोलियो में आ जाइए, मैंने जो ये काम किया हुआ, तो इस तरीके से अब कॉन्टैक्ट अस का चले जाते हैं, तो कॉन्टैक्ट अस में भी हम बता देते हैं कि हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे लिखनी है, ठीक है, ठीक है, उनका फ़ोन नंबर है, उनके लोकेशन क्या लिखे हुए, डोमेन का नाम domain.com, कॉन्टैक्ट नंबर domain.com, गेट इन टच, मैसेज में इधर अलग फॉर्म आना चाहिए था, फॉर्म इन्होंने बिल्डिंग नहीं किया होगा, ठीक है, वो हम फॉर्म भी बिल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, नीचे फेसबुक आ रहा है, ट्विटर आ रहा है, इंस्टाग्राम बीनांस आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये सारे URLs आ रहे हैं, ठीक है, चल सही है, मैं बस मैं मीटिंग बार करके आता हूँ, ठीक, हाँ मेरे को दोबारा से आउट ऑफ टाइम हो रहा है, तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट सैटरडे को क्लास रख लेते हैं यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि ये सर जो हर घंटे बाद इशू कर रहा है, तो मतलब क्लास अच्छी नहीं जा रही मेरे ख्याल से, तो अगर समझ लग गया हो तो कंटिन्यू बता दें, तो मैं मीटिंग क्लोज कर दूँ। चलो तैयारी करो नीचे आ नहीं।